सो वेल गाइस, अगर आप है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, एक रैपर, एक कवर सिंगर या फिर एक यूट्यूबर पॉडकास्टर, तो आई एम श्योर आप जानते ही हैं कि आप लोग जब अपना कंटेंट रेडी करते हैं तो उस टाइम आपका जो वोकल माइक्रोफोन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है। पिछले काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल बट प्रीमियम क्वालिटी वोकल कंडेंसर माइक्रोफोन आपको अवेलेबल करते हैं। और जो बेस्ट फीचर इन माइक्रोफोन में है वो है कि आप इनको अपने पीसी या लैपटॉप के साथ तो यूज़ कर ही सकते हैं, बट ये इक्वली ग्रेट रिजल्ट्स देता है जब आप इन्हें यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड बेस्ड या फिर आईफोन्स के साथ। तो गाइज, ऐसे ही दो बेहतरीन अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं हमारे पास आज की इस वीडियो में, जो कि प्रॉपर यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन्स हैं और ये काफ़ी टाइम से इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा है कि इन दोनों ही ब्रांड फिफिन और माउनो, इन दोनों ही ब्रांड में से बेटर माइक्रोफोन कौन से हैं, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देने वाले माइक्रोफोन कौन से हैं, वो कौन सा माइक्रोफोन है जो आपको ज़्यादा बेहतरीन आउटपुट दे सकता है। तो आज हमारे पास दोनों ही माइक्स है, फिफिन का यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन हमारे पास है और साथ ही साथ हमारे पास है माउनो का यूएसबी कंडेंसर माइक। हम दोनों ही माइक को कंपेयर करने वाले हैं। वी विल टॉक अबाउट देयर बिल्ड क्वालिटी, वी विल टॉक अबाउट देयर फीचर्स, प्राइस ब्रैकेट और साथ ही साथ हम करेंगे इनका ऑडियो टेस्ट और देखेंगे कि कौन सा माइक आपको एक्चुअली में सूट करता है और आपको अपने पर्सनल कंटेंट क्रिएशन के लिए कौन सा माइक ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देने वाला। इट्स योर बॉय सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप और आज के इस एपिसोड में वी गोना कंपेयर फिफिन एंड माउनो के यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन। सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विथ दिस वन। सो वेल गाइज, हमारे पास दोनों ही ब्रांड्स फिफिन और माउनो के माइक्रोफोन ऑलरेडी अवेलेबल है। दोनों ही माइक्रोफोन मैंने अमेजन से मंगाए हैं। ये दोनों ही माइक्रोफोन बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के माइक्रोफोन हैं जो कि एक अफोर्डेबल रेंज बिटवीन 2000 टू 4000 के बीच में आपको इजीली ऑनलाइन अमेज़न पे मिल जाते हैं। और आपको देखना है, कभी कभी यहाँ पर काफ़ी अच्छी ऑफर्स चल रही होती है जिसकी वजह से आपको 400 से लेकर 600 रुपये तक का फर्दर डिस्काउंट भी आपको इन माइक्रोफोन पे मिल सकता है। तो बिफोर वी स्टार्ट कंपेरिजन, हम सबसे पहले देखते हैं कि इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो गाइस, दोनों ही जो माइक है वो यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन है जो कि कार्डियो पैटर्न पे काम करता है। अब कार्डियो पैटर्न क्या होता है? कार्डियो पैटर्न बेसिकली होता है हार्ट शेप पैटर्न, जिसका मतलब होता है कि आपका माइक सिर्फ आपके सामने से, जो माइक के सामने आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपके वोकल्स हैं, ये सिर्फ उन वोकल्स को लेता है और आसपास की जितनी भी एम्बियंस नॉइज होती है ये उन्हें कैंसिल कर देता है। तो हार्ट शेप्ड पैटर्न पे काम करता है जिसे कार्डियो पैटर्न कहा जाता है। दोनों ही यूएसबी माइक्रोफोन है, जिसका मतलब है कि आप अपने गैजेट्स, अपने स्मार्टफोन्स, अपने लैपटॉप्स, अपने पीसीज के साथ इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप इनको अपने आईपैड्स के साथ भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही एडाप्टर या फिर ओटीजी के थ्रू इजीली किसी भी स्मार्टफोन या फिर किसी भी एप्पल के डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आईफोन के साथ मैं पर्सनली इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांड फर्स्ट। तो दोनों ही ब्रांड्स फिफिन और माउनो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं चाइना में, बट यहाँ पर एक छोटा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। जो फिफिन है वो बेसिकली एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इसलिए प्रीमियम क्वालिटी के हैं क्योंकि ये यूएस में डिज़ाइंड हुए हैं और इनका जो मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। इसी की वजह से इसका जो प्राइस है वो भी माउनो के माइक से थोड़ा ज़्यादा है। ऑन अदर साइड अगर आप देखें तो माउनो जो ब्रांड है ये बेसिकली दिस इज़ अ चाइनीज़ ब्रांड, चाइना में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है और थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जैसे कि आप जानते हैं इसका जो प्राइस भी है वो भी आपको 2,500 के आसपास ईजिली पड़ जाता है, जबकि फिफिन का जो माइक है वो ईजिली आपको 3500 टू 3700 की प्राइस रेंज के अंदर मिल जाता है। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द बॉक्सिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ द बोथ प्रोडक्ट्स और देखते हैं कि हमें इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है, प्रोडक्ट्स के साथ क्या क्या एसेसरीज मिलती है। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं फिफिन का ये बॉक्स। सो दिस इज़ द बॉक्स जिसके अंदर आता है फिफिन का हमारा माइक। फिफिन का माइक मैं इस टाइम करंटली यूज़ कर रहा हूँ। माइक के अंदर आपको क्या मिलता है? नॉर्मली माइक के अंदर आपको मिलता है एक यूएसबी केबल जिसके थ्रू आप अपने माइक को कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप, मोबाइल या फिर अपने बाकी गैजेट्स के साथ। और साथ ही साथ आपको मिलता है यहाँ पर एक छोटा सा माइक स्टैंड जो कि आपको हेल्प करता है अपने माइक को
प्रॉपरली टेबल पे स्टैंड करने के लिए, जिसके थ्रू आप इजीली अपने वोकल्स को डब कर सकते हैं और पॉडकास्ट भी आप इस पर इजीली कर सकते हैं। और लेट्स टॉक अबाउट द माउनो का माइक। अगर माउनो का माइक आप देखें तो साइज में ये थोड़ा सा बड़ा है फिफिन के माइक के बॉक्स से, और उसके भी रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं कि जैसे ही हम ये प्रोडक्ट खोलते हैं, माउनो का बॉक्स का हम प्रोडक्ट चेकआउट करने के लिए खोलते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलती है एक USB केबल, जिसके थ्रू आप अगेन इजीली अपने माइक को कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइसेस के साथ, चाहे वो लैपटॉप हो, PC हो या फिर अपना मोबाइल हो। और साथ ही साथ माउनो के माइक में भी आपको मिलता है एक सिमिलर साइज़ का स्टैंड। तो मोर और लेस अगर आप एक्सेसरीज़ की बात करो तो दोनों ही माइक पे बहुत ही सेम एक्सेसरीज़ आपको मिलती है, बहुत ही सिमिलर एक्सेसरीज़ आपको मिलती है। बट यहाँ पर अगर आप क्वालिटी की बात करो, एक्सेसरीज़ की क्वालिटी की बात करो, तो जो क्वालिटी आपको फिफिन की माइक के साथ मिलती है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। फिफिन की माइक के साथ जो आपको केबल मिलती है उसमें प्रॉपर फिफिन की ब्रांडिंग हो रखी है, जबकि जो माउनो के साथ आपको केबल मिलती है इसमें किसी भी तरह की कोई ब्रांडिंग नहीं हो रखी है। और माइक्रोफोन स्टैंड जो इसके साथ मिलता है वो दोनों ही कॉमन है। और एक और एडिड बेनिफिट है जो कि मैंने देखा है विथ माउनो का माइक, इसके साथ आपको मिलती है एक कवर शील्ड, जो कि आपको हेल्प करती है आपकी वोकल्स को प्रॉपरली फिल्टर करने के लिए। तो कवर शील्ड का भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। सो वेल गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट इट्सेल्फ। बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं कि हम कैसी है दोनों ही माइक की। सबसे पहले बात करते हैं माउनो की माइक की, तो दिस इज़ द माउनो का माइक। और जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है माइक की, ब्लैक कलर में आता है विच इज़ बेसिकली मैट फिनिश्ड, तो इजीली इस पर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। शाइन नहीं है इसमें क्योंकि मैट फिनिश है। और ऊपर अगर आप देखते हैं तो फ्लैट, जो नीचे सिलेंड्रिकल शेप है इसका, बट ऊपर से काफ़ी फ्लैट है इसका कैप्सूल, और मेटल ग्रिल है पूरी, जिसकी वजह से काफ़ी स्टडी लगता है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड ये आपको फील देता है। और अगर हम बात करते हैं इसके साइज़ की, तो माउनो का माइक जो बेसिकली है वो फिफिन के माइक से साइज़ में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, थोड़ा सा बड़ा है। फिफिन का माइक जहाँ पर छोटा कैप्सूल के साथ आता है, छोटे कैप्सूल के साथ आता है, वहीं पे ही माउनो का माइक जो है वो थोड़े लंबे कैप्सूल के साथ आता है। तो डिज़ाइन में बेसिकली ये फ़र्क है। और साथ ही साथ आप देखें कि बोथ फिफिन एंड माउनो दे हैव वेरी मिनिमलिस्टिक लोगो ब्रांडिंग ऑन देयर प्रोडक्ट। आपको सिर्फ सामने ब्रांडिंग दिखती है माउनो की, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको कहीं पे भी माउनो की ब्रांडिंग और नहीं दिखेगी, सिर्फ सामने के पार्ट में आपको माउनो की ब्रांडिंग दिखती है। इजी टू इंस्टॉल है, आप इसको इस तरह के स्टैंड में यूज़ करना चाहे या फिर आप इस तरह के स्टैंड में यूज़ करना चाहे, जैसे मैं फिफिन के माइक को इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो गाइस ये थी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो ओवरऑल मुझे पर्सनली लगता है कि फिफिन का माइक का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है माउनो के माइक से। अराउंड अगर आप कहें तो 20-30% जो बिल्ड क्वालिटी है, जो हैवीनेस है, जिस तरह का पॉलिश है, जिस तरह का मेटल फिनिश है इसका, जिस तरह की इसकी ग्रिल्स बनी है, वो माउनो के माइक से काफ़ी बेटर डिज़ाइन है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो माइक है वो प्रॉपरली USA में डिज़ाइन हुआ है, जबकि माउनो का माइक जो है वो प्रॉपर बना और डिज़ाइन हुआ है चाइना में। तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी का वो थोड़ा बहुत फ़र्क आपको वहाँ पर दिखेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो दोनों ही माइक जो है वो USB कंडेंसर माइक्रोफोन्स हैं, और मैक्सिमम सारे डिवाइसेस जहाँ पे USB आप कनेक्ट कर सकते हो कोई भी एक्सेसरीज, तो वहाँ पे इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। राइट नाउ आई एम यूजिंग फिफिन का माइक विथ माय iPhone 10, जो कि आप जितनी भी मेरी इस टाइम वोकल सुन रहे हैं वो फिफिन के माइक के थ्रू आपको मिल रही है, जो कि मैं शूट कर रहा हूँ iPhone 10 पे। और मैंने पर्सनली दोनों ही माइक्स को iPhone पे भी यूज़ करके देखा है, एंड्रॉयड फ़ोन पे भी यूज़ करके देखा है, और साथ ही साथ अपने लैपटॉप पे भी यूज़ करके देखा है। जो पर्सनली मेरी फाइंडिंग है उसके अकॉर्डिंग फिफिन का माइक ज़्यादा रिलायबल है डिटेक्ट करने में, हार्डवेयर को डिटेक्ट करने में और उसको सपोर्ट करने में, वो ज़्यादा आपको रिलायबल लगेगा, ज़्यादा आपको ईजी लगेगा, ज़्यादा फ्लेक्सीबल लगेगा। माउनो के माइक को डिटेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये उतना रिलायबल नहीं है जितना कि फिफिन का माइक रिलायबल है। दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट फिफिन की माइक को थोड़ी सी इसमें एज मिलेगी, ज़्यादा बेटर हार्डवेयर है इसका, डिटेक्ट जब करता है तो इजीली डिटेक्ट हो जाता है, सॉफ्टवेयर के साथ इसकी कंपेटेबिलिटी काफ़ी बेहतरीन है। सो गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल वोकल क्वालिटी आपको कैसे मिलने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ फिफिन का माइक, और फिफिन का माइक कनेक्टेड है मेरे iPhone 10 के साथ, तो हम
कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ हम गाकर देखते हैं और रैप करके देखते हैं, और उसके बाद वी विल स्विच टू माउनो का माइक। दोनों ही माइक का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम रैप पार्ट। ये बचपन से देखा सपना, छोटा सा घर हो अपना, घुटनों को टेक के जो मांगा था सब होगा अपना, आता तब ना था हंसना, सिचुएशन फेक हुई बसना, सालों तक एक जोड़ी जूतों के तस्मों को कसना। तो गाइस जो ये मैंने भी लास्ट वाला पोर्शन जो दिया है टेक, वो दिया है माउनो के माइक पे, और इससे पहले वाला जो पार्ट था वो हमने कवर किया था पूरा वीडियो ऑन फिफिन के USB कंडेंसर माइक्रोफोन पे। तो दोनों ही आपके सामने मैंने ऑडियो सैंपल्स दे दिए हैं दोनों माइक्स के। मुझे पर्सनली लगता है कि फिफिन का माइक आपके लिए तब ज़्यादा बेटर है जब आपको अपनी वोकल्स में बेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, और आप चाहते हैं कि आपका टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो। तो उस कंडीशन में अगर आपके रिक्वायरमेंट वो है तो आपके लिए फिफिन का माइक ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। बट अगर आपको क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस रखना है और टेक्सचर पे थोड़ा कम रखना है, माउनो के माइक में हो सकता है कि आपकी जो वोकल है वो बेस साइड पे ना जाके थोड़े सी ट्रेबल और शार्पनेस साइड पे जाए, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप दोनों ही माइक्स अपने हिसाब से उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अगर मैं कंक्लूड करने की बात करूँ तो मेरे हिसाब से दोनों ही माइक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी के हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं माउनो के माइक की, तो माउनो का माइक आपको ईजिली 2000 से 2500 के बीच में ईजिली मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी बेहतरीन डील हो सकती है आप लोगों के लिए, और काफी बेहतरीन इसके रिजल्ट्स भी है। बट यस, अगर आप चाहते हैं कि माउनो के माइक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेटर क्वालिटी मिली, थोड़े से ज़्यादा आपको बिल्ड क्वालिटी मिले माइक में, और थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको आउटपुट का रिजल्ट चाहिए, तो वहाँ पर आपको 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा डाल के आप फिफिन का माइक ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देता है। सो गाइस अगर हम सिर्फ प्राइस ब्रैकेट को साइड करें तो हम देखेंगे कि फिफिन का माइक ओवरऑल ज़्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी देता है, उसके फीचर ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि स्पेशली अगर आप देखें तो फिफिन में आप अपनी वोकल्स का लेवल भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी आपको पॉडकास्ट के टाइम पे या फिर डबिंग के टाइम पे जब आपको अपने वोकल्स के लेवल को एडजस्ट करना है, बट ये फीचर आपको माउनो के माइक में नहीं मिलते हैं। सो गाइज अगर हम इन सारे फीचर्स को ध्यान में रखें तो आई विल पर्सनली सजेस्ट यू गाइज कि अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है इन्वेस्ट करने के लिए ऑन बेटर प्रोडक्ट, तो यू शुड गो विथ फिफिन का माइक। बट अगर आपको लगता है कि बजट का कंस्ट्रेंट है तो आप इजिली माउनो के माइक पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाला है। सो वेल गाइज, नाउ इट्स योर टर्न, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस माइक्रोफोन, सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट क्वेरी फॉर यू। मैं सारे ही कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ, सारे कमेंट्स को चेक करता हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड लाइक बटन को हिट कीजिए। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एपिसोड। इट्स योर बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।